अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अनम अदनान और आपके लिए लाए हूं KFC स्टाइल ब्रोस्ट की रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। एक कप दूध ले लें प्याले में। इसमें आप शामिल करें 1 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस डालने से ये बटर मिल्क बन जाएगा और चिकन में बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालें। 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करें। सॉल्ट हमेशा हसबे जायका लिया करें। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालें। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करें और इसको अच्छी तरह मिला लें ताकि चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब आप इसमें चिकन के पीसेस ऐड करें। मैंने छोटे छोटे पीस लिए हैं ताकि गल जाने में आसानी हो और खाने में भी आसानी हो। आप चाहें चिकन तो इसमें अच्छी तरह डिप हो जाए ताकि चिकन सारा फ्लेवर अपने अंदर ले ले। थ्री टू फोर आवर्स के लिए हम इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। हम लोग कोल्सलो रेडी कर लेते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून मायनीज ली। इसमें 1 टीस्पून शुगर, थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर और फिर इसको मैंने विस्क किया। अब इसमें आप 1 टेबल स्पून कर्ड ऐड करें, 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड करें और इसको अच्छी तरह फेंट लें। फेंटने के बाद इसमें आप जो आपने कैबेज क्रश किया है वो डालें और फिर ये आपका कोल्सलो रेडी है। ब्रोस्ट की कोटिंग के लिए हमें 1 कप मैदा चाहिए, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, नमक, पेपरिका पाउडर, रेड चिली पाउडर। अब इसको आप अच्छे से मिला लें ताकि इसकी कोटिंग अच्छे से बन जाए। चिकन की कोटिंग के लिए अब इसमें चिकन ऐड करें और इसको अच्छी तरह दबा दबा के आप मिला लीजिएगा। पैन में ऑयल गरम करें, चिकन के पीसेस डालना शुरू करें। मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसे एक खूबसूरत डिश में निकाल के सर्व करें केचप और कोल्सलो फ्राइज़ के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।